जी आ गए हैं, सीट बेल्ट पहले जल्दी से लगा लीजिए। मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले अपना सीट एडजस्ट कीजिए, उसके बाद सीट बेल्ट लगा लिए हैं, सीट बेल्ट लगाइए और देखिए कि क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर न्यूट्रल से सीधा गाड़ी आप एक गियर में कीजिए। बहुत सही, गाड़ी स्टार्ट कीजिए स्मूथली, थोड़ा देखिए राइट लेफ्ट, हो सके तो अगर ऑप्शन है तो इंडिकेटर देख के आप रोड पे चल रहे हैं। रोड पे देखिए चल रहे हैं, तो रोड पे चल रहे हैं, स्लोली स्लोली देखिए कि कोई नहीं है और आदमी नहीं है, एकदम से हैंडब्रेक, थोड़ा हैंडब्रेक से थोड़ा सा गिरा दीजिए, गिरा ध्यान रखना है। हाँ, चलिए सबसे पहले कि आपकी गाड़ी में नुकसान मात्र देख के आईना देख के, एकदम बहुत बिजी रोड है, बिजी रोड है, थोड़ा सा इंडिकेटर दे दिए, आईना देख रहे कितना स्मूथ चल रहा है। और बात करें तो मात्र दो दिन में लगभग कवर कर दिया, प्रो बन गया है मंटन जी के साथ, बस मजा आता है, इसीलिए आते हैं रोज 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 पूरा सत्रह दिन यूज करेंगे। अच्छा लगता है, मतलब अब ये दिन अब फ्री आदमी तो है नहीं मंटन जी, इनके साथ ऐसे ही घूम सके, तो अब यही मौका है, बांट लेते हैं टाइम। और अभी जाते हैं हम लोग गली की तरफ, कुछ लोगों को टिप्स बताइए कि लोग आपसे सुनकर जल्दी सीख सके गाड़ी चलाना, जल्दी सीख, जैसे कि आप इतना जल्दी कैसे सीख गए, कितना माइंड जीनियस आपका जो कि सीख गए। वो कुछ नहीं है, सब खेल आपका है, आप बहुत ही प्यार से सिखाते हैं, जरा भी डर नहीं लगता है, इतना भीड़ में चला रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ कोई भी डर नहीं है। और अपना गाड़ी भी घर में हम जाके ट्रेनिंग कर लेते थे इजिली, है ना, यहाँ पे अभी इंडिकेटर दे देते हैं धीरे धीरे, अभी टर्न लेंगे ये गली में, पतला वाला गली में हम एंट्री करेंगे, देख लीजिए मैंने ठीक है, बहुत सही साइकिल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं हमको कोई टेंशन ना, ये चला रहे हैं तो हम बोले तो पीछे ही बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस बैठे हुए हैं, मजा आता है। क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि लोग जल्दी सीख सके ड्राइविंग? पहला ध्यान देना है कि अपना क्लच पे ध्यान दीजिए, कंट्रोलिंग लाइए, सबसे पहले है कि कंट्रोलिंग लाइए, कि आपको ये होना चाहिए कि हम ब्रेक मार सकते हैं अगर आदमी सामने आ गया, है ना, क्लच मेन चीज है, मेन चीज है क्लच। और ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा नहीं करना है, क्लच का इस्तेमाल कीजिए, क्लच तभी इस्तेमाल कीजिए जब लगे आपको एंडिंग एकदम, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तब मार दीजिए आप क्लच लेके। हॉर्न का इस्तेमाल भी ज्यादा ही ज्यादा कीजिए रोड पे, अब जैसे कि यहाँ से कुछ आ जाएगा राइट से लेफ्ट से, अब जैसे ये है यहाँ दे देंगे, उसको भी इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से गाड़ी आ रही है, हाँ चौक चौराहा पे हॉर्न वगैरह यूज करिएगा, खाली है, अब कोशिश कीजिएगा कि खाली गली पतला गली में दो ही गियर में चलने का, दो एक एकदम सही मोहब्बत से, और क्या एकदम बिल्कुल, सब लोग इनका वीडियो एकदम स्किप नहीं करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, ये चला रहे हैं अभी गली और कुछ कुछ बताते रहेंगे। हाईवे तो सबसे इजी है, सबसे मेन है गली कूचा और जाम, अब देखिए गाड़ी रुक गया है तो हम एक गियर कर लेंगे, एक तो गियर गाड़ी बंद हो जाएगा, बहुत सही बंद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप नौसिखिया ना बोले कोई, एक गियर कर लीजिए शांति से, फिर अपना चलते चले, अब आगे ट्रैक्टर आ रहा पतला रास्ता, कोई डर नहीं है, साइड में वो कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा ही, देख रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, इस तरीके से अगर आप जो है इनका बात पे ध्यान दीजिएगा ना, एकदम प्रो बनने में दो दिन में हम सीख गए थे, बस मंटन जी के साथ मजा आ रहा है इसीलिए चला रहे हैं। हाँ, 17 दिन आप लोग भी थोड़ा हमसे कुछ सीखने को मिल जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मिलेगा आप लोग क्या है, स्टार्टिंग में तो एक ही गियर क्लच क्या है, इंसान है गलती का पुतला, गलती से घबराना नहीं है, होगा गलती, बहुत गलती, हमसे भी बहुत गलती हुआ, ऐसा नहीं है कि हम अभी चला रहे बिल्कुल परफेक्ट है, पटना लेके गए बहुत बार मेरे से गियर भी पूरा नहीं, हम क्लच दे रहे थे, दिक्कत हुआ, हम क्या किए, गाड़ी हम सबसे पहले साइड लगा दिए, 5 मिनट सोचे क्या गलती हुआ, उसके बाद फिर हम जीरो से स्टार्ट किए फिर से, उसके बाद सीधा गाड़ी घर में लगा, न गाड़ी बंद हुआ न कहीं गियर अटका, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ, हमेशा 5 मिनट सोचिए क्या गलती की, क्या गलती, जीरो से स्टार्ट, फुल माइंड में, फुल माइंड रखिए, अब यहाँ पे पतला रास्ता है, अब यहाँ पे भी हम दे देंगे थोड़ा हॉर्न, स्लो हो जाएंगे टर्निंग पे, कोशिश कीजिए स्लो हो जाए, स्लो हो जाए कि आपको मौका मिले अगले से बचने का, बचने का, काटने का, देखिए कहने की बात है एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ गलती किसी का भी हो, लेकिन आप अपना 100% दीजिए कि बच सके, बिल्कुल सही है। अब दो गियर कर लेते हैं, थोड़ा सा इंजन को नीड्स है दो गियर, खाली भी है आगे, खाली भी है, सही है, सीधा टाइम से गियर बदलना भी बहुत जरूरी है, बहुत इजी है, बस माइनस प्लस हल्का हल्का करते रहिए, देख रहे हैं हैंडल कितना यूज कर रहा है, सीधा जा रहा है, माइनस प्लस करते रहिए, बहुत इजी, एक हाथ ऐसे रखिए और एक हाथ से भी आप कर सकते हैं, एक बार होने के बाद दो हाथ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, निकल गया सीधा गड्ढा उड्ढा है साइड से निकल जा रहे हैं, जब खाली रोड है तो क्यों हम दे पैसेंजर को जर्क, चल रहे हैं अभी सीधे सीधे हॉर्न देते चलेंगे, बच्चा बच्चा भी आगे, बहुत सही है, मजा आएगा, ड्राइविंग को प्लेजर की तरह लीजिए और अपना पार्ट समझ के गाड़ी को चलाइए, ये नहीं समझिए कि सामान है चीज है, उसके तरह नहीं,
प्यार से एकदम, देखिए ब्रेकर आया धीरे से एकदम प्यार से हल्का, थोड़ा सा मेरे से भी गलती हुआ, देखिए होता है सबसे। दो गियर में हमको नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे एक गियर कर लेते तो साउंड ना होता। अभी हम एक गियर कर ही लेते हैं क्योंकि आगे हमको स्लो होना ही, फिर आगे गाड़ी आ रहा है वो हम देखे, हमको साइड दे दिया कि पता है कि उसको लग रहा है कि हमको नहीं आता है चलाने के लिए, तो अपने आप को बचा। इस तरीका से आप भी साइड दे अगले को, हम भी देंगे, हाँ आप भी दीजिए, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा इसमें, ना वो छोटा होगा ना हम छोटा होंगे, ना हम बड़ा ना वो छोटा, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। ईगो लेके गाड़ी कभी मत चलाइए कि हाँ वो मेरे से स्पीड भाग गया, गाड़ी महंगा है उसका गाड़ी लाइफ, कभी ये भी हो जाता है। हाँ लाइफ आपकी, आपका है, सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है, तो आप बस है ना रोड पे जब चलिए तो आप बस अपने आप को ये ले लीजिए कि हम कितना कैपेबल है कि गाड़ी हम कितने स्पीड में कंट्रोल कर सकते। हम अभी चाहे तो 120 चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पता है कि हमसे नहीं होगा कंट्रोल, तो 60-80 मैक्सिमम, 60-80 लेके चलिए। ड्राइविंग में एक सेफ्टी का सेफ्टी पैरामीटर लेके चलिए कि हाँ आपका ये आपसे कंट्रोल हो सकता है। अभी देखिए गड्ढा गुड्ढी आ गया, तो यहाँ तो एक ही गियर में चलेंगे, दो गियर में फंसने का डर है, थोड़ा हॉर्न दे देंगे, बंद भी हो जाएगा गाड़ी को। हाँ, बीच से जाने की कोशिश मत कीजिए, साइड से जाने की कोशिश कीजिए, जैसे आपको पहली बार आई इस रोड में तो आप साइड से जाएंगे, बीच में चलने में दिक्कत है, हो सकता है अगर साइड में रास्ता है तो साइड से निकलिए, नहीं तो आगे जो गाड़ी जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, वो किस तरह से जा रहा है देखिए, जैसे हम इसको फॉलो किया, ज्यादा नहीं, गाड़ी सीखना कोई बड़ा बात नहीं, बस कॉन्फिडेंस लेते हैं अपने जी। और माउंटेन जी से साथ मिलेगा तो फिर तो आपका गाड़ी सीखना बहुत ही इजी है, सब जगह ट्रेनिंग मिल जाएगा आपको, सब जगह ट्रेनिंग मिल जाएगा। माउंटेन जी ऐसा नहीं है कि आपका क्लास खत्म हो गया तो आप नहीं पूछ सकते, आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं कॉल करके, ये कभी भी ये निराश नहीं करेंगे, जब आप कॉल कीजिएगा लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे, जब भी कॉल करें, जब भी बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से। देखिए कितना प्यार से निकल रहा गाड़ी, एकदम सही है, थोड़ा हॉर्न वॉर्न देते चलेंगे, थोड़ा स्टूडेंट लोग का इलाका है, इलाका भी देखना है, इलाका भी देखना है किसका है। अपना दिमाग को पूरा रन करिए जितना आप कर सकते हैं, ब्रेकर कोशिश कीजिए, 4-5 में ब्रेकर थोड़ा तिरछा निकालेंगे गाड़ी हल्का, देखिए कितना प्यार से, प्यार ये देख रहे हैं स्टीयरिंग मोमेंट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई जल्दी नहीं है। और अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जाके जान सके, देखिए ये देखिए तिरछा राइट हल्का लेफ्ट, मस्त लगता है एकदम निकलने, पता नहीं चलता, बड़ा अच्छा फील होगा। आगे पानी पटा रहा है, बोल देते हैं हमको कि गाड़ी धो दीजिए, लेकिन नहीं धो नहीं, चलिए चलिए प्यार मोहब्बत से। हाँ पे ब्रेकर बहुत थे नहीं तो अभी दो गियर ले लेते, चांस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, 4-10 ऐसे भी 10-15 के बीच में दो गियर का जरूरत पड़ेगा नहीं आपको। देखिए अब आ गए हैं थोड़े से कुछ लोग, उनको थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए क्योंकि साइड में रिस्क नहीं लीजिए, रिस्क ज्यादा ना लीजिए, दो सेकेंड रुकिए, एक मिनट रुकिए, लेकिन सही बात है फिर आए ऐसा पॉइंट को एकदम माइंड में नोट कर लीजिए, ये सब ड्राइविंग कोशिश कीजिए, कुछ नहीं आगे आगे गाड़ी बंद हो गया, बंद हो गया कोई दिक्कत नहीं, अभी हम भी बंद करके आपको दिखा देते हैं, कहीं जाम में फंसते हैं तो आपके लिए बस हम एक बार गाड़ी बंद करते हैं और किस तरह से प्यार से निकालना, अगला को पता ना चले कि आपका गाड़ी बंद भी हुआ था, इतना फास्ट क्विक एक्शन कीजिए, ऐसा क्विक एक्शन कीजिए, ये नहीं कि पता चले कि हाँ अरे गाड़ी बंद हो गया था लगता है, उसे किया है हम तो फंस गए, पीछे जाम लगने दीजिए ही मत, कूल रहिए एकदम, जाम अभी अभी निकलेंगे हम लोग कोर्ट के पास से तब दिखाते हैं एक ठो ट्रिक करके, और मंटन जी तो हम लोग के साथ है ही हेल्प करने के लिए, कुछ भी गलती होता है तो तुरंत हेल्प कर देते हैं प्यार से, बहुत कोई भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सबको एक अच्छा गुरु का जरूरत होता है, ड्राइविंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि गुरु हम लोग को जो मिले हम लोग का बहुत ही भाग्य का बात है, गुरु बहुत अच्छा मिले, बहुत प्यार से सिखाए, फिर से इंडिकेटर दे दीजिए, ये एक एक ये बना लीजिए, आदत बना लीजिए इंडिकेटर का, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ, आप हाईवे पे भी हो फोर लेन पे भी हो इंडिकेटर दे, आप गाड़ी को समझा के चलिए, इधर जा रहा हूँ,
कि अगला को इंडिकेट होते रहे कि हाँ ये किधर जा रहा बंदा। इसको आप ऑपरेट करिएगा ना, ये मशीन है, इसको इनपुट दीजिए तभी तो प्रोसेस। सही बात है, जैसे कंप्यूटर उसको बस जीरो पता है, आप जितना उसमें फिट करते हैं उसको वो समझ में आता है, बस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आपको देना है सब कुछ। नहीं बोलता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही बात है। आप उसी हिसाब से चलाइए। देखिए थोड़ा ढीला इलाका आ गया है तो हो सकता है हम दो गियर करके निकल ले, निकल भी लेना है, ये नहीं कि धीरे धीरे चलते रहे कछुए की चाल। कहीं निकलना है तो निकलना भी तो है, वो तो सिखाने के लिए चल रहे थे हम लोग। राइट लेफ्ट एकदम तीनों मिरर में एकदम ध्यान देना है, तीनों मिरर कभी नहीं भूलना है। ये तीन मिरर भी है मेरे गाड़ी में, आ गया ब्रेकर, स्लो होना है तो एक गियर। अब यहाँ पे देखिए गड्ढा है, लेफ्ट राइट भी है, चक्का देख लीजिए, इधर से निकालेंगे ज्यादा बेटर है, इधर से निकालिए, हाँ निकालिए, सीधा करिए जल्दी लेफ्ट। ओके ज्यादा ना काटेंगे, गड्ढा को यूज कर लेंगे, गड्ढा को यूज कर लेंगे। पीछे एक्सीलेटर दीजिए, चलिए निकल गया। ओके ओके निकल गया, कर लिया ठीक है। पीछे भी गाड़ी नहीं था, स्टीयरिंग बहुत ही प्यार से कट रहा है, बहुत ही स्मूथ गाड़ी है और आप लोग सीखेगा बहुत अच्छा फील होगा। ये नहीं कि बहुत ट्रेनिंग वाली गाड़ी होती है, जो बहुत जैसे पर्सनल गाड़ी होता है उस तरह से एकदम मेंटेन जी रख के सारा कुछ एकदम स्मूथ है, गियर क्लच एसी पूरा ऑन रहता है, सब कुछ ऑन करके। ये नहीं कि आपको गर्मी फील होगा, कुछ नहीं, एनवायरमेंट गाड़ी का अच्छा होगा, आप सीख सकेंगे, स्मेल भी बहुत अच्छा है। आइए और क्या सीखिए साथ में। चलिए अब आपको एक बार, अभी हम लोग कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक बार नकली गाड़ी बंद करके आपको सिखाने के लिए गाड़ी बंद करनी जाम में, क्योंकि बोल करके बंद कर रहे हैं। हाँ बोल के बंद कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि बंद हो गए। अब इनका अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी अच्छा देख सकते हैं, स्टीयरिंग भी सीधा करके छोड़ दिया तो भी सीधा ही जा रहा है गाड़ी, एकदम गाड़ी 5 से 7 हजार चलती है, जाती है शोरूम सर्विस होके आ जाती है, एकदम 5 से 15 दिन में सर्विस करवाते हैं, एकदम स्मूथ है सब कुछ, सीट कवर एंड ऑल सब ऑल awesome एकदम। थोड़ा बहुत गंदा दिखेगा आपको, थोड़ा नीचे बहुत तो दिखेगा क्योंकि बार बार स्टूडेंट नहीं मिलता है ना, स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पैर वैर का गंदगी वो तो होगा ही, अब उतना बाकी आपको क्लीन मिलेगा। एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, मंटन भाई के साथ एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, इंडिकेटर एक गियर कर दिया, स्लो हो गए गाड़ी, अभी हम दो गियर में रहता हो सकता है बंद हो सकता था, कितनों क्लच रखे रखे, अब वहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है उससे पहले आराम से तरीका यहाँ का अच्छा दिखाइए, पहुँच जाएंगे तुरंत देख रहे हैं, दो गियर कर लेंगे प्यार से। अब वहाँ पे कहीं पे जाम हो ना हो हम फिर भी बंद करेंगे आपके लिए, क्योंकि अब रास्ता बहुत ज्यादा नजदीक पीछे, लेकिन देख करके थोड़ा सा पीछे देख लिया, जब भी ब्रेक लगाइए तो पीछे देख के देख करके ब्रेक, मतलब वही थोड़ा सा खाली स्थान रहेगा तभी ब्रेक मारेंगे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ नहीं, थोड़ा सा एक थोड़ा सा लेंडिंग में बता दीजिए, बाइक वाला थोड़ा सा उस रोड में ही बताते हैं, चलिए हाँ वहाँ पे बताएंगे, वहीं पे बताएंगे, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बाइक वाइक थोड़ा सा चौक है, चौक है थोड़ा सा आने जाने का, थोड़ा सा देखिए बाइक एकदम सट के एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सब चीज नहीं करना चाहिए, ऐसे अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि 3 गियर भी हो जाए, माइलेज अच्छा निकालना है, मंटन जी के गाड़ी में तो ऑयल हमेशा टॉप अप रहता है, फुल स्लो हो जाएंगे, एकदम पूरा क्लच दे देंगे, आपको लग रहा है कि आगे से हमको ठुक सकता है तो पूरा कंट्रोलिंग के साथ क्लच दे देंगे, ब्रेक ना एस्केलेटर कुछ नहीं, बस पूरा क्लच दे देंगे, स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक कार, फिर उसके बाद आपको लगेगा तो हल्का ब्रेक देना है, पीछे बम्पर टू बम्पर। चलो अब गाड़ी यहाँ पे जाम लग गया, अब हम गलती से क्लच छोड़ दिए, मेरा गाड़ी बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। अब लेकिन ब्रेक डाले रखना है, ये नहीं कि पीछे ढुल जाए, ये भी नहीं करना है, ब्रेक दबाए रखना है, अब कुछ पैनिक नहीं है, तुरंत ये देना है एक गियर लाइन दबाए से तुरंत स्टार्ट कर देना, अगला पता भी ना चले, और तुरंत गाड़ी उठा लेना है प्यार से, देख रहे हैं सीधा चलिए चौक तरफ, चौक तरफ फिर वापस आने का, जी हाँ चलिए चौक तरफ। लोग कुछ लोग डरते हैं, डरना हमसे होगा ड्राइविंग या बहुत सारा चीज, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं डरना है, प्यार से बस बैठिए गाड़ी में, बस जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स का उसका ध्यान दीजिए और कंट्रोलिंग सीख जाइए बस, उसके बाद आपसे गाड़ी चलना तो एकदम ईजी है, बस गाड़ी रोकना सीखना है आपको कि हाँ कहाँ पे रुकना चाहिए गाड़ी, कहाँ पे मेरा गाड़ी स्टार्ट रहना चाहिए, सबसे पहली बात गाड़ी रुके तो रुके, गाड़ी स्टार्ट भी होना चाहिए, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए,
हो जाएगा, दो बार तीन बार होगा, चार बार पांच बार दस बार बीस बार होगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा ड्राइविंग स्कूल में, नहीं 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 सीख पाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि नहीं सिखाए, कुछ आपकी कुछ गलती हो सकती है उस कारण से आप लोग नहीं सीख पाते। जैसे एक है मेरे भी एक कलीग, वो 15 दिन से आ रहे हैं और बहुत बहुत बेटर सिखा रहा है मंटन जी, लेकिन वो अपने ही कुछ गलती के कारण अभी अभी वो बहुत बेटर पोजीशन में है, अभी 2-4 दिन उनका बाकी, उसके बाद वो एकदम डन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं चौक की तरफ। नवादा का ये कौन सा रोड हो गया, चौक है आपका प्रजातंत्र चौक, प्रजातंत्र चौक हो गया, और बहुत ही अच्छा लगा विजय बाजार, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हाँ। नवादा का जाम भी चलाने में बहुत मजा आएगा, एक बार हाँ, पतला पतला गली में घुस जाएगा, बहुत मजा आएगा चलाने में। नवादा अपना एक्सप्लोर कीजिए खुद ही। हाँ। स्लो हो जाइएगा, गड्ढा है, गाड़ी बंद ना हो, थोड़ा सा एस्केलेटर दे के क्लच दे के फंसा के गाड़ी निकालते रहना, क्योंकि गड्ढा में फंसा हुआ था चक्का, थोड़ा हॉर्न दे दिया, हल्का स्लो हो गए, गड्ढा गुड्ढी इधर बहुत ज्यादा हो गया है आजकल, कोई बात नहीं निकाल लेंगे सब। फर्स्ट गियर में निकालना चाहिए, निकालना ही चाहिए गड्ढा में फर्स्ट गियर में, क्योंकि ज्यादा लोड पर दो गियर दे ही देते हैं, थोड़ा गड्ढा गुड्ढी है आराम से, गड्ढा गुड्ढी है, चलिए गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, कोशिश करते हैं गियर के। अब चौक पे एकदम कूल हो जाइए, एक पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी आ गया, यहाँ पे रुक गए हैं, अब इसको हॉर्न देते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे 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 धीरे। किस तरफ चलना है मंटन जी? लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपका इंडिकेटर दे देंगे, दे दिए हैं शायद, दे ही दिए, चलते रहिए, स्लो अपना चलते रह रहे हैं, थोड़ा सा भी गलती हो रहा है हम भी मान रहे हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी है तो होगा, उससे आपको ज्यादा नहीं करना कि हमसे गलती हो जाए, गलती हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाए वो काम नहीं करना है, कोई नहीं, पीछे थोड़ा सटा हुआ है तो उससे पहले हम मोड़ देंगे गाड़ी, मोड़ दिया धीरे धीरे सीधा, एक बार एक और दो राउंड वापस सीधा कर लिया, आदमी है थोड़ा हॉर्न दे देंगे, पुलिस पीसीआर वैन है, ब्रेक ले लिया, ब्रेक ले लिया, ब्रेक ले, जा दिए जा दिए, हाँ जाने दीजिए, साहेब लोग से थोड़ा दे दीजिएगा डिस्टेंस, साहेब लोग फिर टैंक कर देंगे। सही बात है, फिर टैंक कर देंगे, टैंक कर देंगे। चलिए ये लोग टोटो वाला से थोड़ा सावधान होके नवादा में चलाइएगा गाड़ी, ये भी एक सेफ्टी है, सेफ्टी टिप, टोटो वाला से सावधान रहिए, आप कुछ नहीं कीजिएगा वो बहुत कुछ कर देगा। कुछ नहीं, मजाक की बात है, कंट्रोलिंग अपना सही रखिए, ब्रेकिंग एंड क्लचिंग सही रखिए, ब्रेक क्लच सब सही रखिए, अपना गियर सही रखिए, कभी गाड़ी आपका नहीं बंद होगा, ना खराब होगा ना कुछ होगा, सारा कुछ कंट्रोलिंग के ऊपर है, गियर दे देंगे, माइलेज भी अच्छा निकलेगा, चलते चलेंगे, खाली रोड है, आदमी उधर आ रहा था तो अपना पूरा क्लच दे देंगे, अपने पहले से आप सेफ हो जाइए, पूरा क्लच दे दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग चले अपने अपने काम, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा सीखे होंगे और बहुत सारा चीज बताए क्योंकि हम भी नहीं बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मंटन जी से हम लोग सीखे, एक वीडियो में सारा ही मतलब ज्ञान जो है बताएं, ये हाँ वही वही चीज आज जो क्लास की हम लोग कॉमन और मेन जो थोड़ा थोड़ा गलती होता है ना, ये आप लोगों से शेयर किए हैं। हाँ। है ना, कि सही तरीका से कंट्रोलिंग क्या है, मार्केट में हॉर्न दबाना है, बहुत सारे बात बोले कि जो कि आपको सुनना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को जो भी लर्नर ड्राइवर है उसको शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है तो बताइए, लाइक कीजिए, जरूर होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा वीडियो है, और ये वीडियो सब स्टूडेंट के पास जाएगा, और जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे वीडियो सब लोग देखेंगे, सबके पास लिंक जाएगा, और बहुत अच्छा वीडियो है, बाय, फिर मिलते हैं आप लोग, बाय, फिर मिलते हैं, मंटन जी के साथ बने रहिए, अच्छा सीखिए, अच्छा चलाइए, सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, ओके, थैंक यू, बाय, चलिए बाय।